हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग में पैरामेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स होने जा रहा है। इस वर्ष 17 फरवरी 2021 से फॉर्म अप्लाई होंगे। ये 4 वर्षीय कोर्स है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर प्राइवेट से किया जाता है तो 6 से 7 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। इसी भारी भरकम फीस को देखते हुए हजारों गरीब नर्सिंग स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने से वंचित रह जाते हैं। फ्रेंड्स, ग्रामीण परिवेश के हजारों गरीब नर्सिंग स्टूडेंट्स इन कोर्सेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव होता है। कब फॉर्म भरे जाते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने हेतु क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट में कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम कौन कौन से शहर में होगा, आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने हैं तो टोटल कितनी सीटें हैं, पूरे भारत में कौन कौन से शहर में आर्मी बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है जहां से ये कोर्स होता है, साथ ही बताएंगे कि बायोलॉजी में कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए तथा मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि आर्मी से जेएनएम कोर्स फ्री में कैसे होता है, फॉर्म कब अप्लाई होते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जाएगा कि एम्स से फ्री में बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे कर सकते हैं, टोटल सीट कितनी होती है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने में क्या फ़ायदा है, ये दूसरे ट्रेनिंग सेंटर से क्यों बेहतर है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अनुशासन में बेहतरीन स्टडी होती है। अगर आप आर्मी से 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बनने हेतु इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप आर्मी से ही बीएससी नर्सिंग कोर्स करके आर्मी में ही नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो आपको स्टार्टिंग ग्रेड पे 5400 के हिसाब से मिलेगा, यानी आपकी सैलरी 90 से 95 हज़ार सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी। और अगर आर्मी के अलावा अन्य जगह जैसे ईएसआईसी या एम्स हुआ, पीजीआई हुआ या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 75 के लगभग होगी, 4600 ग्रेड पे आपकी नौकरी लगेगी। फ्रेंड्स, आर्मी बहुत ही बेहतर तरीके से बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाती है। फ्रेंड्स, अब विस्तार से बात कर लेते हैं आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। तो सबसे पहले बता दूं कि आर्मी से बीएससी नर्सिंग कोर्स केवल फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 17 ईयर कम्प्लीट होने चाहिए, 17 से कम एज के इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इस कोर्स हेतु क्वालिफिकेशन की बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। साथ ही हाइट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट में गोरखा व नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स को छूट दी गई है, उनके लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इस कोर्स के लिए 17 फरवरी 2021 से फॉर्म फ्रेंड्स इस कोर्स के लिए 17 फरवरी 2021 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 10 मार्च 2021 तक भरे जाएंगे। इसके साथ ही एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश मीडियम में होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश व जनरल एप्टीट्यूड से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके लिए मात्र आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मात्र 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ है, जिसमें 40 सीट है। पुणे है, उस वहाँ पर भी 40 सीट है। अश्विनी जगह है, वहाँ पर भी 40 सीट है। बेंगलोर में भी 40 सीट है।
कोलकाता व दिल्ली में इस ट्रेनिंग की 30-30 सीटें हैं, यानी टोटल 220 सीट हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अप्लाई करने हेतु नेसेसरी है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो बरकापुर, चंडी मंदिर, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, दानापुर, गुवाहाटी, जालंधर, जबलपुर, जम्मू, कोच्ची, झांसी, कोलकाता, कानपुर, किरकी, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नामकुम, सिकंदराबाद, त्रिवनंतपुरम, इजिमाला, पुणे, विशाखापट्टनम, इन सभी शहरों में ऑनलाइन टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, 13 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाया जाएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियो बनाते रहें, आप तक भेजते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।